खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से है, जहां शुक्रवार की दोपहर थाना नरसेना पुलिस संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक अपाचे बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा किया तो बदमाश बाइक को लेकर तेजी से मोड़कर नरसेना की तरफ कच्चे रास्ते पर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिस पर बदमाश द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करनी शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान शाहिद पुत्र महमूद निवासी भोलिया थाना नरसेना बुलंदशहर के रूप में हुई, जिसको उपचार हेतु CHC ऊंचा गांव में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध तमंचा के साथ असलाह कारतूस व अपाचे बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश शाहिद सात्र किस्म का अपराधी है, जो कुछ दिन पहले ही रात्रि में पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना नरसेना पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था, तथा उसका साथी ₹25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी लियाकत को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। उक्त संबंध में थाना नरसेना पर मुकदमा पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर ₹25,000 का पुरस्कार घोषित है। अभियुक्त के विरुद्ध शहर के विभिन्न स्थानों पर हत्या का प्रयास, चोरों के आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत हैं। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। समर इंडिया के लिए बुलंदशहर से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। किस तरह का अपराधी है जो गिरफ्तार किया गया है? थाना नरसेना क्षेत्र में शाहिद नाम का एक अपराधी, जो साथी लुटेरा और चोर किस्म का है, चोरी और लूट के मुकदमे एक दर्जन के आसपास उसके विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत रहे हैं, और गत माह एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लियाकत नाम का 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ ही था, उस मुकदमे में भी वांछित चल रहा था। शाहिद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। आज एक पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा इलाजरत है, और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो